10-12 गाड़ियां हम खड़ेंगे, पहले मैं जाता हूँ ऑफिस। अबे मैं हमेशा मिस्टेक क्यों कर देता हूँ गाइस, मार्केट प्लेस ओपन, ऑफिस इज क्लोज, मैं पहले जाके ऑफिस के पास ना एक गाड़ी खड़ी है अपनी, मैं उसको जाके ऑफिस खोलता हूँ। कोई कस्टमर अगर आएगा तो मतलब कुछ आएगा, ये हमेशा का यही है। इसको छोड़ो, मुझे अभी ऑफिस को खोलना है। ऑफिस अगर ओपन है तो कस्टमर्स भी आएंगे, तो भी मैं सीधा नेबर रोड चलता हूँ, नेबर रोड जाके कुछ गाड़ियाँ खरीदते हैं आज भी। अभी मैं नेबरहुड इतना ज़्यादा प्रीफर कर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नेबरहुड में ना बहुत सारे सस्ती सस्ती गाड़ियाँ भी आ जाते हैं। देखो आज बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैं पहले ये ऑडी क्यूसन देखता हूँ, मतलब कल जो मैंने खो दी थी, शायद अगर ये मिल जाए तो आज 13,000 15,000 तो बोलेगी, शायद 6,000 में तो आएगी नहीं, 8,000 बोल रही है भाई, 8,000 बोल रही है। मैं गाड़ी बेच के यही लेता हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, 8,000 बोल रही है। वो गाड़ी अगर बिक गया ना तो मस्त ले लेंगे ये गाड़ी, क्योंकि ये मस्त मतलब टैग लाइन पड़ा है ना ऑडी बोल के, तो जल्दी बिक जाएगी गाड़ी है। तो देखते हैं अगर कुछ कस्टमर है तो मैं जल्दी वहाँ पे जाता हूँ, शायद आज हम ऑडी ना खो दे, बहुत अच्छा रहेगा अगर आज हम ऑडी ना खो दे। ये किया कार्निवल इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, 35, यानी कि ये नई गाड़ी है शायद, वही तो नई गाड़ी है। आज ट्रक भी खड़े हैं इधर, ट्रक लेके मैं क्या करूँ भाई, रुक जा। एक हमारे पास और एक होंडा सिटी है, होंडा सिटी पे मुझे प्रॉफिट अच्छा मिला था। मैं क्या करता हूँ उधर जाके एक और एक देखता हूँ, कुछ ब्रांडेड गाड़ी मिल जाएगी तो हम थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रख के बेच सकते हैं। नहीं ये तो ऑडी की लग रही है गाड़ी, डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ। ये अच्छा टोयोटा है क्या, ये टोयोटा मत 43,000 की बोल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा, कस्टमर ऑफिस में सीधा ऑफिस चलता हूँ, अभी जाके गाड़ी बेचते हैं, फिर गाड़ी बेच के हम ये लेते हैं ऑडी Q7 लेते हैं आज। मुझे आज किसी भी हालत में ऑडी Q7 को खोना नहीं है, मुझे चाहिए आज गाड़ी। वो मतलब रियल लाइफ में अगर आप गाड़ी के अंदर बैठ जाओगे ना तो मतलब मैं तो कन्फर्म हूँ आप उठ के आओगे नहीं, उतना मस्त गाड़ी है वो। गेम का शायद तो देखते हैं, गेम का कुछ हम बोल नहीं सकते। अभी मुझे जाना है ऑफिस, कभी कभी मैं समझ ही नहीं पाता मुझे जाना कहाँ है। एक ही कस्टमर है भाई, अच्छा रेट दे, मैं बेच के तुझे ऑडी ले लेता हूँ। 3,500 है ब्रो, 3,500 आई विल प्राइस बगरिंग 2,445। अभी मेरे पास 6,000 हैं तो मैं 2,000 डालूँ, कितने होंगे गाइस रुको, मैं थोड़ा मैथ्स में बहुत वीक हूँ। 6,000 प्लस 2 7 8, 8,000 में मैं गाड़ी ले सकता हूँ, सेल कर दो क्या? वो 8,800 कुछ बोल रही थी, ये बार्गेन नहीं चल रहा। बैक मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस, मैं बेचूं या नहीं बेचूं ऑडी Q7 के लिए। अगर बेच दूं फिर मुझे कुछ $1-2 पे अगर कम पड़ गया ना तो नहीं होगा। मैं दूसरे कस्टमर्स को वेट कर लूँ क्या? इसको मुझे शायद बेचना पड़ेगा, रुको मैं ना कैलकुलेट कर देता हूँ फिर से, मुझे कंफ्यूज हो रहा है। ये $622 है मेरे पास, ये तो चली गई, वो तो गुस्सा होकर चली गई। ये कोई और आ रही है, अच्छा प्राइस दे दे भाई, उसने उसको कुछ नहीं बोला मैं तो वो गुस्सा होकर चली गई। 3,500, हाँ 2,800, मस्त डील दे दिया भाई। तू चल तू लेके जा, मेरे पास 9,000 रुपये बच गए हैं, मैं अभी जाके ऑडी Q7 खरीदते हैं। यार गाइस अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सीरियसली, मेरी ऑडी 8 Q7, ऑडी Q7, देखते हैं कहीं कोई लेके ना जाए। ओ खड़ी है खड़ी है खड़ी है, मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ आज, बस ऑडी Q7 लेके चलते हैं। फाइनली वी ब्रॉट ऑडी Q7, देखते हैं अगर प्राइस अगर ठीक ठाक दे दे तो, तभी का वाला प्राइस तो काफ़ी 8,300 ना, तू लेके जा। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ भाई, आई एम सो एक्साइटेड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं ऑडी क्यूशन सच में ना खरीदी। मैं चलता हूँ गाड़ी के ना। ओ गाइस डिटेलिंग देखो, डिटेलिंग खा कि इतनी ज़्यादा है नहीं, मतलब 280 का स्पीड लिमिट, 260 का कुछ स्पीड लिमिट लिखा है। गाड़ी तो ठीक है, हमें क्या पड़ता है, अभी हम साउंड सुनते हैं। अच्छा था साउंड, अब सुनो बस, स्मूथ सा साउंड है, कुछ इंजन में वाइब्रेशंस भी आ रहे हैं। अभी हम बैक चलते हैं, हाँ कुछ तो है इंजन का लोचा लोचा, सेकेंड गाड़ी है, डीजल गाड़ी है तो कुछ ज़्यादा हम भी बोल नहीं सकते। ठोक मत ठोक मत ठोक मत, ओ थैंक गॉड बच गई। पीछे ना साइलेंसर में मतलब मस्त बूस्ट बूस्ट लगे हैं, तो मस्त धुआं भी आ रहा है, मतलब
आग फेंक रही गाड़ी पीछे वाली, और तो वो होता है ना GTR R34 पे, देखो हमने हमने ही इधर पे ड्रिफ्ट मारा है बहुत सारे, और कोई अरे ड्रिफ्ट बहुत खास था गाइस, इसी में ड्रिफ्ट इतना मस्त कब से आने लगा भाई, पूरा पैनामा में सुनो भाई, मैं इसको बहुत प्राइस में बेचूंगा, स्पीड भी काफ़ी ज़बरदस्त है गाइस, ड्रिफ्ट तो लो मस्त ड्रिफ्ट आ रही है गाइस, ड्रिफ्टिंग तो मस्त आ रही है, स्पीड भी बहुत है गाड़ी पे, मतलब काफ़ी जल्दी स्पीड पकड़ रही है, देखते हैं लोगों की स्पीड चल, अच्छा गाड़ी का मार्केट प्लान मैं मार लेके देख पाता हूँ, मेरे पास शायद उतने पैसे हैं नहीं तो मैं देखते भी क्या करूँ, मैं जान मुझे ड्रिफ्ट नहीं मारा था, थोड़ा स्पीड पकड़ना है, ब्रेकिंग टेस्ट करें क्या, वो 100 के ऊपर चली गई गाइस गाड़ी, ये पहली गाड़ी मैं देख रहा हूँ 100 के ऊपर इस गेम में जा रही है, 115 रोड पे ही नहीं आ रही गाड़ी, 125 गई थी, 135 ओ ओ ओ गाइस 135 151 भाई 150 जा रही थी गाइस, सबसे फास्टेस्ट कार मैंने अभी तक इस गेम में चलाई है, सीरियसली 156 कुछ आ गई थी, अरे हम जाके इसको बेचते हैं, तक गई क्या भाई, भाई ऐसे ऐसे धोखा मत दियो भाई, बहुत मेहनत से खरीदा हूँ भाई गाड़ी को, लॉस भी है गाइस इसमें, भाई लॉस है मैं देखा ही नहीं, थप्पन जाना प्लीज भाई, नॉस चलना भाई, अबे क्या है नॉस है, मैं अभी ना नॉइस नॉस नॉस ट्रैकर नॉस, जिन लोगों को पता नहीं है नॉस एक्चुअली नाइट्रोजन गैस होता है, क्योंकि इंजन में डायरेक्टली हम पेट्रोल इंजन के साथ हम डायरेक्टली नॉस अगर डालें तो इंजन काफ़ी जल्दी आगे बढ़ेगी, तो क्या गैस पता है आपको गैस कैसे, प्लीज यार मुझे लगता है मुझे ठीक से जाके अभी गाड़ी को डायरेक्टली बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इतना सारा कुछ करता रहूँ तो शायद मैं गाड़ी को खुद नहीं तोड़ दूंगा, तो मुझे जाके गाड़ी को बेचना पड़ेगा, लॉस फिर से लगा देगा, काफ़ी मज़ा आ रहा है सीरियसली, कुछ भी बताओ काफ़ी मज़ा आ रहा है सीरियसली गाड़ी चलाने में, मेरे साथ अगर कुछ गाड़ियाँ मिल जाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे, ओ मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी सीरियसली जा रहा हूँ, मैं पक्का जा रहा हूँ अभी, अभी मैं सीरियसली जा रहा हूँ, सीरियसली बताऊँ मैं सीरियसली जा रहा हूँ अभी, मुझे अभी ठोकना नहीं गाड़ी, क्योंकि पता नहीं अभी कितना मतलब दिया गया होगा, आ रहा नहीं है इसमें नहीं डालता हूँ, हजार लाइट्स तो है, राइट इंडिकेटर तो मैंने राइट इंडिकेटर डाला था उस दिन, मैं अभी सीरियसली जा रहा हूँ गाइस, सीरियसली पता मैं 100% जा रहा हूँ अभी, 100% बच गई, अभी मैं 100% जा रहा हूँ, मैंने सोचा ड्रिफ्ट मार के अंदर लेते हैं, बट थोड़ा सा ड्रिफ्ट मेरा डिले हो गया, तो अभी ठीक से जाके उसको रिपेयर करके देखते हैं, अभी हमें प्रॉफिट भी बनाना है, बस 700 रुपये जेब में रख के हम इतने करोड़ों की गाड़ी खड़ा चला रहे हैं मतलब, तो आजा भाई आजा, देखते हैं इसका रिपेयर कॉस्ट क्या होगा, मगर कम अगर 500 के अंदर हुआ तो ही मैं रिपेयर कराऊंगा, ना ज़्यादा होता नहीं कराऊंगा, 773 मेरे पास रिपेयरिंग के भी पैसे नहीं है, मैंने ही तोड़ा इस गाड़ी को, सीरियसली बता रहा हूँ मैंने ही तोड़ दिया इसको चला चला के, डोर देखो मैंने क्या हालत कर दिया, वैसे ही बेचता हूँ उसको, मेरा मन तो कर रहा है इस गाड़ी को मत बेचूंगी, कि चलाने में बहुत मस्त है गाड़ी, साउंड सुनो आप साउंड सुनो क्या अच्छा साउंड लगा यार मस्त, अगर रियल लाइफ में गाड़ी मिल जाएगी ना तो सीरियसली बता रहा हूँ मैं मस्त फाड़ चिंदियाँ कर दूँगा इस गाड़ी को, सीरियसली काफ़ी मस्त होती है चलाने में, मतलब बड़ी बड़ी एसयूवीज होती हैं इतना तो ज़्यादा जाती नहीं, ऐसे कारणों में ना यही मस्त है, मुझे पार्किंग करना पड़ेगा इसको, मैं ना सीधे बाजू में आके ओ टुक मत जाना प्लीज़ टुक मत जाना, ओके गाइस देखो गैप देख रहे हो कितना गैप रखा हूँ मैं, वाओ 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 बस 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 अभी हम इसको मस्त से प्राइस पे बेचेंगे, आई नो थोड़ा सा डिले मतलब प्रॉब्लम हो चुकी है गाड़ी पे, मैंने ही जाके ठोका था, अभी हम जाके इसको हमने लिया था इसको समेर अराउंड 8000 समथिंग रुपए में, मैं इसको बेचता हूँ कुछ 13000 पे बेचता हूँ अभी, देंगे कुछ तो फ़ायदा कल मिल जाएगा ना, काफ़ी मज़ा आने वाला है, 13200 पे बेचता हूँ मैं, 13200 बेच देंगे क्या, 13200 यू कैन ओपन स्किल्स
सेल प्राइस फाइंडर, ठीक है, मेरे पास कुछ स्किल्स ओपन हो चुकी हैं, जाके मैं देखता हूँ। आई डोंट नो मुझे स्किल्स कहाँ से ओपन करते हैं गाइस। डिज़ाइन और डिज़ाइन तो छोड़ो, मैं स्किल्स कहाँ से ओपन करूँ, मैं कंप्यूटर में जाके देखता हूँ। वेब पेज पे गया, फिर आर्य रैंक पे गया, वेलकम टू आर बैंक, कैश वैल्यू नो इंटरेस्ट, तो अभी इधर पे लोन ले सकते हैं। मुझे लोन नहीं चाहिए फिलहाल, मैं चाहता हूँ पूरा धंधा अपना ना बिना लोन के चले, जब तक हो सका तब तक। हम इधर देख लेना एक दिन ज़रूर, हम एक 10-12 गाड़ियाँ डाल देंगे सेल पे, गाड़ियाँ बिकते रहने दो। प्लेयर रोडिंग छोड़ो, प्लेयर हमें कौन क्या कर रहा है, हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चलता हूँ अभी बाहर, देखते हैं वो 700-800 में तो कुछ गाड़ी आएगी नहीं, बाकी की गाड़ी देखो गाइस, दोनों प्रोजेक्टर DRLs, बड़ा सा गिल ग्रिल आगे में, और DQ7 मुझे मन कर रहा है गाड़ी में खुद लेके चलाऊं, बट क्या कर रहा है अभी हमारे पास, मतलब डोर देखे ना बहुत गंदा लग रहा है, आई नो काफ़ी डैमेज हो चुका है डोर, बट उसको रिपेयर करने में वो बंदा पूछ रहे समय अराउंड 7,713 रुपये, कुछ 7,733। अंकल आए, अंकल गाड़ी देखो आप, गाड़ी अंकल बिल्कुल ना चकाचक गाड़ी है, डोर आप मत देखो, डोर पे मत देखो, डोर एक्चुअली ना नया डिज़ाइन आया है, वो डोर एक्चुअली नया डिज़ाइन है, मैं बोल रहा हूँ तो डोर नया डिज़ाइन आया है, तो गाड़ी पूरा ठीक ठाक पैसे देते, 10,000 दे रहा है, हमने 8,000 पे लाई थी, फ़ायदा तो है 2,000 का। मैं 2,000 के लिए तुझे इतनी महंगी गाड़ी बेचना नहीं चाहता अभी फ़िलहाल, तू जा, मैं नहीं बेचना चाहता फिल 10,200 मतलब कुछ 10,800 दे रहा है, नहीं मैं दूंगा नहीं तुझे, तू जा। मन तो कर रहा है बेच दूँ, 10,200 में 2,000 का प्रॉफिट है तो बेच देता, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा सब्र रखते हैं, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, तो देखते हैं अपना भी सब्र का फल मीठा हो या कुछ कड़वा लग जाए तो फिर बोल नहीं सकते गाइस। नहीं गाड़ी तो बिक जाएगी क्योंकि ये ऑडी है ना, ऑडी तो बिक जाएगी, कि लोगों को भी पता है ऑडी इज़ ए ब्रांड, जर्मन ब्रांड, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ। देयर इज़ अ कस्टमर इन ऑफिस, मुझे ऑफिस से निकलते के बाद कस्टमर्स मिल रहे हैं, 13,200 हैं, अगर मुझे 12,000 भी कुछ दे देगा ना तो मैं दे दूंगा उसको, क्योंकि 12,000 भी मैंने दे दिया तो मुझे समय अराउंड 3,500-4,000 का तो मिल जाएगा प्रॉफिट। आंटी देखो रात हो रही है, जल्दी ख़रीद लो, आपकी हिसाब से गाड़ी बहुत मस्त है। आई एम थिंकिंग, ज़्यादा सोचो मत, तेरी माँ का आके 8,000 पूछ रही है मुझे, मतलब इतना घाटे का सौदा कौन करेगा भाई, वो तो 10,000 में दे रहा था, मैं उसको नहीं दिया, आके 8,000 पूछ रही है मतलब लड़कियां होती है सर, रियल लाइफ में भी ऐसे ही है, मतलब गेम में भी वही डाल के रखा है लड़का, देखो एक ही बार में आया पूछ ला चला गया, अभी वही है ना इन लोगों को मार्केट में, मतलब वो भैया सस्ता कर दो ना कम कर दो ना, हमेशा इधर ही आते हैं अभी। ठीक है गाइस, अभी फ्राइडे है, आज हमारा बहुत लॉस हो चुका है, आई नो, लॉस लेके हम चलते हैं अभी घर, घर जाके सोते हैं, सुबह उठते हैं फिर देखते हैं कुछ, आई नो हमारा लॉस हो चुका है आज, क्योंकि हमने आज कुछ गाड़ी बेची नहीं, बस खरीद के लाए हैं ऑडी, जाके हम सोते हैं देखते हैं आज हमारा लास्ट का कितना प्रॉफिट या लॉस, अकाउंट बुक हमारी चेक करेंगे। 5,495 का लॉस गाइस, अगर यानी कि वही 5,500 का लॉस मनी अर्न, आज हम 2,000 ही अर्न कर चुके हैं, आई डोंट नो वो कौन से हैं, तो अभी हम चलते हैं नई दिन की शुरुआत लेके, और कस्टमर इन द ऑफिस, मेरे से पहले कुछ कस्टमर गया है भाई, अगर आज ना मस्त सी गाड़ी के 13,000 में मिल बिक जाएगी ना तो काफ़ी, मैंने क्या सोच रहा हूँ सस्ती सस्ती वाले 2-3 गाड़ियाँ खरीदता हूँ मैं, महंगी लेके ऐसा रखूँगा नहीं, ऑब्वियसली मैं रखना चाहता हूँ। कस्टमर इन द ऑफिस कहाँ पे गया भाई, कस्टमर भगवान होते ना भाई, तू इतना क्यों, मैं थोड़ा आगे जा के आता हूँ, शायद ये गेम पे लोड ना हो कस्टमर, मैं जाके आगे जाके आता हूँ ये छोटे छोटे गेम्स का ये प्रॉब्लम होता है गाइस, तो मैंने कल बताया था ना आपको, ये जस्ट 800 MB का कुछ गेम है, कोई जा रहा है इसका क्या है, कस्टमर इन द ऑफिस, ठीक है मैं जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ अपनी गाड़ी ले लेगा ना ये आंटी है शायद, आंटी ले ले, आंटी अगर बार्गेनिंग की ना तो मैं लात मार के भेजूंगा तुझे, सीरियसली बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, कल तो मस्त भी खरी थी यार, 10,000 मतलब 10,800 दे रहा था बंदा, मुझे दे देना चाहिए था क्या उस पर भाई, अगर उसका नंबर हो तो फिर से कॉल कर लो गाइस, मतलब 10,800 दे रहा था गाइस वो, मत तो दे देता मैं सीरियसली देता था अगर 10,800, और ये लोग इतना कम दे रहे हैं तो अब
पे पिकअप तो कर ले, ये कैन फेंकने में ही मुझे ना पूरा दिन लग जाता है। कस्टमर ने अभी मैं जाता हूँ उधर पे सामने देख के आते हैं। तो वेल ऑल राइट गाइस, तो अभी कस्टमर वगैरह कुछ भी नहीं आया, मैं थोड़ा सा गेम को यहाँ पे सेव करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कस्टमर इन ऑफिस, बट इसमें कस्टमर दिख क्यों नहीं रहा है भाई, मैं जाके देखता हूँ। लीडिंग बोर्ड पे अपनी गाड़ी पे मैं रहा था, थोड़ी क्यों सर थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा बता दिया कि नहीं, प्राइस तो ज़्यादा नहीं है, मतलब कोई आया जाके देखते हैं इसको। अंकल सूट वूट पहन के बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, तो कुछ दे देना। इसमें ESP इंस्टॉल्ड है, हाँ इसमें सब इंस्टॉल्ड है। 11,000 देना, मैं दे देता हूँ अंकल, थैंक यू सो मच अपने पास से गाड़ी खरीदने के लिए। तो फाइनली गाइस ऑल राइट, तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं कल जाके कुछ 3-4 और भी गाड़ियां खरीदते हैं। अभी हमारे पास 11,800 हैं, तो मैं क्या सोच रहा हूँ 2-3 हज़ार के हम ना 3-4 गाड़ियां खरीदते हैं, फिर लाके बेचते हैं, फिर एक एक गाड़ी पे भी हम ना 3-3 हज़ार का भी प्रॉफिट, मतलब 3 हज़ार तो नहीं होगा शायद, अगर एक एक 2-2 हज़ार का भी प्रॉफिट रख लेंगे ना तो 10-12 हज़ार तो वैसे भी आ जाएंगे। तो होपफुली देखते हैं, अगर कल के वीडियो में कुछ होगा तो मस्त। सो फाइनली हमने ऑडी अपनी खरीद ली, फिर ऑडी को बेच भी दिया मस्त प्रॉफिट में। समय अराउंड मेरे पास ना 2,800 ऐसे कुछ प्रॉफिट बना है, विच इज़ नॉट बैड। तो ठीक है गाड़ी के हिसाब से, मतलब ब्रांडिंग थी, हमने भी लेके मस्त से चलाया, कितना ठोका उसको, कितना ड्रिफ्ट मारी, पूरी टॉप स्पीड 150 तक चला दी हमने, काफ़ी अमेजिंग गाड़ी थी। तो फाइनली देखते हैं, अभी कल के वीडियो में हम देखते हैं कुछ करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।